आप कहें तो मैं आपको सुनाऊं, ये कंजूस की कथा बहुत अच्छी है, सुनाऊं? और ये ऐसी कंजूस है कि कुछ पूछो ही नहीं। एक बुढ़िया माँ भयंकर कंजूस। एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी, बड़ी तगड़ी कंजूस, लेकिन एक अच्छाई थी उसमें, ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय। उसमें एक अच्छी बात थी, वो भगवान शिव का नाम बार बार उच्चारण करती रहती थी, बार बार उच्चारण करती रहती थी, लेकिन जब भी उसके कोई द्वार पे आता, उसे कुछ भिक्षा मांगता, तो वो ये कह देती, चले जाओ, तुम्हें और कोई घर नहीं दिखता है क्या? और कहीं जाके मांगो, वहां मिल जाएगा, मेरे घर में आ जा, तो मैं तो शिव की परम भक्त हूं, मेरा तो कल्याण ही होगा, मैं किसी कुछ देने वाले नहीं, जाओ जाओ जाओ। कोई आ जाए, संत आ जाए, महात्मा आ जाए, कोई आ जाए, पर किसी को कुछ नहीं देती थी। कहने का मतलब है, किसी की अच्छाई के चर्चे थे तो बुढ़िया माँ की कंजूसी के चर्चे थे पूरे गांव में, और गांव में ही नहीं, कंजूसी के चर्चे ऊपर तक थे, शिवलोक तक थे इस बुढ़िया माँ के, क्यों, नाम तो लेती थी शिव जी का, तो चर्चे बड़े हाई फाई थे, ऊपर तक, देवलोक तक, शिवलोक तक। बाबा भोलेनाथ तक भी आवाज गई कि बड़ी तगड़ी कंजूस है, किसी को कुछ नहीं देती है। तो बाबा ने सोचा, चलो कुछ प्लान करते हैं, हम भी चलते हैं, क्या पता हमें देख के दे दे। तो बाबा इस बुढ़िया माँ के पास में एक भिक्षुक का रूप बना कर आए, भूले बाबा, भूत बावन। तो एक भिक्षुक का रूप बनाकर जब भोलेनाथ बुढ़िया माँ के पास में गए, मैया के पास गए, तो मैया से कहा, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षा दो। अब डायरेक्ट मना करना ठीक नहीं लगा उसे, बोले कहा थोड़ी देर बाद आना। बाबा थोड़े गांव में घूम घाम के फिर आए, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अरे बोले बाबा थोड़ी देर बाद में आना, सुबह सुबह पहुंचे थे, दोपहर को आए, अब दोपहर को कह रहे थोड़ी देर बाद आना। बाबा बोले, सही चर्चे हैं मैया के, झूठ नहीं है, मिलावट नहीं है, मैया सही है। पर बाबा तो बाबा बोले, आज हम देखें कि कब तक मना करती है। फिर गए, थोड़ी देर बाद शाम सीख लौट आए, बोले भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, अब तो भिक्षा दो। अरे बोले बाबा, अब शाम हो गई, अभी रात्रि का भोजन बना नहीं है, थोड़ी देर बाद में आना। बाबा बोले, कोई बात नहीं। फिर दो चार राउंड लगा के आ गए गांव के, फिर लौट के आ गए, बाबा भिक्षाम दे। अरे बाबा, अब तो तुम लेट हो गए, हम तो खा के हो गए, निर्चू हो गए, हम तो खा के, अब तुम अपने आप देखो, फिर आना। बाबा बोले, कोई बात नहीं, आज याई गांव में रुकेंगे हम रात में, देखें तो सही तू कितना मना करती है। दूसरे दिन भोर होते होते फिर बाबा पहुंच गए, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अब तो मैया से रहा नहीं गया, मैया बोली, बाबा तू तो मेरे ही पीछे पड़ गए हो, या पूरे गांव में कोई ना दिख रहे होगा, तो जरूरी है मैं तो डायरेक्ट ना ही कर दूं, जब ये अच्छो लगेगा, मैं ना देना चाह रही, तो समझ में ना आ रहा हूं। समझदार आदमी भाई ते कहें जो इशारे समझ जाए, अब तू दोपहर सवेरे आएगो, मैं ना ही कर दे, एक बाद में आई हो, फिर एक देर बाद आएगो, मैंने बाद में आई हो, पाँच चार पाँच मिनट तो थे, जब कह दे बाद में आई हो, या को मतलब है यहाँ आइयो ही मत, तू समझ रही हो ना। जट बाबा समझ गए कि मैया वाकई दिल से कंजूस है, ये सर वैसे ही नहीं, तगड़ी कंजूस है, आके तो कितने पीछे पड़ जाओ, पर या के हाथ से एक दानो नहीं निकले हो। तो बाबा भोलेनाथ कह करते भिक्षुक के रूप में आए, जट बाबा चले गए, बोले मैया नहीं देगी। समय तो समय, धीरे धीरे समय खिसक्यो, काऊ काऊ गांव बारे ने कही, मैया कछु तो काऊ दे दे कर, मरेगी तो नरक में जावेगी, तेरे हाथ से कछु ना छूटो। तो वो मैया कहो करे, मैं मरूंगी तो शिवलोक जाऊंगी, कहूँ नहीं जाऊंगी मैं,
इतनो नाम जपते हूं मैं शिव जी को, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सीधे शिवलोक जाऊंगी और कहूं नहीं जाऊंगी। गांव बारे में कहें तेरी मर्जी। अब वो समय भी आ गयो जब बुढ़िया माँ को समय नजदीक आ गयो, और जब समय नजदीक आयो तो बुढ़िया माँ को शिव के दूत नहीं दिखे, यम के दूत दिखे। अब तो यमराज के दूत जबरदस्ती फांस में बांध के बाकू काल फांस में खींच के ले जाए लगे। अरे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए गए? मुझे तो शिव के दूत ले भी आएंगे, मैंने तो बड़ो नाम जपे हो शिव जी को, तुम कौन हो, तुम कौन हो, गलती से आए गए? बोले गलती से ना आए, पूरे पढ़ लिख के आए, आज तेरो समय समाप्त है और तू शिवलोक ना जा रही, तू सीधे नरक चलेगी हमारे संग। जी का कहें तो मैंने इतनो शिव जी को नाम जपे, वो बोले नाम जपे, नाम जपे के अलावा और कुछ करे तेने? तेने द्वार पे आए कितनी कितने अतिथि ते निराश कर दिए, काउ तेने अपने हाथ से एक चपाती तक नहीं खवाई, चपाती छोड़ रोटी छोड़ अन्न को एक दानो तक तेने ना दियो। अब तो तू चलनो पड़ेगो, चल हमारे संग, अब तो चलना ही पड़ेगो। अब बुढ़िया रोवे लगी, हाय हाय जी का वह। बोले भैया एक काम कर दो, दया नेक्सी सी तो दया कर दो। बोले कहा? बोले तुम सांचे को मो नरक में ले जा रहे हो? बोले हाँ डेफिनेटली। बोले भैया एक काम कर, इतनो शिवजी को नाम लियो है तो ने कितनी सी तो दया कर दे। बोले कितनी? बोले इतनी सी दया कर दे कि कम ते कम ज्यादा ना आए तो शिवजी के सामने तो ले चल लें, चाहे फिर नरक में ले चली हूं, बाद में तो हम नरक में जाएंगे ही जाएंगे, पर एक काम कर देने कष्ट पाले कि हमें तू ने शिव जी के सामने तक ले चल। बोले ठीक है, अब इतना नाम तो जपे तो दया आ गई। बोल चलना है मान, नहीं तो लेके चल रहे। शिव जी के सामने ले जाके बुढ़िया अम्मा को खड़ो कर दियो। बोले ले कर ले शिव जी के दर्शन, और माँ शिव जी विराजमान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। मैयार ने बाबा को दर्शन कियो, मैया के नेत्रन में आंसू आए गए, और जब आंसू आए गए तो मैया पूछवे लगी बाबा मैं नरक में जाऊंगी? शंकर भगवान बोले हाँ मैया तुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। झट रो पड़ी, अरे बाबा मैंने तो तुम्हारो इतनो नाम लियो, तुम वो नरक में भेजोगे? बोले हाँ हाँ बिल्कुल नरक में ही जाना पड़ेगा। अरे मैया नाम जपो तो नाम जपवे वारे जीव को इतनो तो कार्य होना चाहिए कि वो धर्म को आचरण करे, और धर्म को आचरण यह है कि जब कोई हमारे द्वार पे आवे तो हमें वाकु कछु देके विदा करना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन के सबरे सुकृतन को वो ले जाए और अपने पापन को हमारे यहाँ छोड़ जाए। तुम्हारे द्वार पे इतने बार लोग आए, तुमने काउ को फूटो दानो नहीं दियो, और की तो बात छोड़ मैया, मैं खुद तेरे यहाँ आयो, तेने 5-7 चक्कर लगवाए, तेने मोह एक दानो नहीं दियो, बता अब मैं तो कैसे शिव लोक में राख लूं? इतनी कंजूस तू, नाग बन के बैठी है, तोपे कछु है नहीं, तेरे आगे बालक नहीं, तेरे बालकन को तेरी जो भी सामग्री है वाकू भोगे वारो कोई नहीं, बाके बादू इतनी कंजूसी, अब बता तू कैसे स्वर्ग में जा सके? बता है बाबा जी तो मुँह पर तो ही ना आई, मुँह पर तो अपराध है गो बाबा, एक बेर मौका मिल सकत है? बोले अब क्या मौका चाहिए? बोले बाबा कछु दिन के ही सही, पर एक बेर अवसर दे। बोले हाँ तुमने हमारा नाम बहुत जपा है इसलिए हम तुम्हें एक हफ्ते का मौका दे सकते हैं। मरी भई बुढ़िया अम्मा नाम के प्रभाव से एक हफ्ता का पुनः जिंदी कर दे भगवान ने कि जा, और वही शरीर में जाके समा गई, फिर से जिंदी हो गई। मरी हुई अम्मा फिर से जीवित हो गई नाम के प्रभाव से।
बोले तुमने हमारा नाम जपा इसलिए हम तुम्हें एक हफ्ते का मौका दे सकते हैं, अवसर दे सकते हैं। तो वो बुढ़िया अम्मा आई और वो शिव जी वाली सारी बात याद ही हुआ सबरी बात, और आके फिन्ना बैठी मैया चैन थे, फिन्ना बैठी मैया चैन थे। फिर का करे हो? बोले काऊ है बुला, अब पहले आवे तो ना दे भाई, अब बुलावे पंडित जी ने, आओ महाराज मेरे यहाँ भोजन करो, खूब हलुआ पूड़ी खवावे महाराज, कबू खीर खवावे, और जब कोई ना आवे तो बनाए बनाए के वहाँ भेज के आवे, काऊ वस्त्र दे, काऊ बर्तन दे, काऊ अन्न दे, काऊ जल दे। जल को बड़ा महात्म है जेठ के महीना में, अन्न का दान बड़ा महत्वपूर्ण है, वस्त्रों का दान महत्वपूर्ण है, जो जो आपको चाहिए वो दान आपको करना चाहिए। तो मैया ने सब कछु दान कियो, चार पाई भी दान करी, बीजना भी दान करो, आजकल एसी पंखा दान करते हैं लोग, पहले बीजना करते थे है ना, और पैरों में पहनने वाली चप्पलें भी दान में करी, जो जो वस्तु आवश्यकता होती है मैया ने सात दिना चैन ते नहीं बैठी, रात में भी व्यवस्था करे तो सवेरे भोजन भंडारे करवावे, तीर्थ में गई एक दो दिना तीर्थ में जाके भंडारे करवाए, खूब द्रव्य दक्षिणा बांटी, और सात में दिन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यूं कहती कहती मर गई, और जट शिवलोक में पहुंची, और शिवलोक में पहुंची और बाबा के सामने जाके ठाड़ी है गई। बोले बताओ बाबा अब का के हो गए, अब नरक में भेजोगे का? बोले ना मैया, तेने पिछलो पूरो जीवन को प्रयोग उतनो अच्छो नहीं कियो जितनो तेने ये आखरी को एक सप्ताह को प्रयोग कियो है, अब यह आखरी के एक सप्ताह के कारण तू हमेशा मेरे शिवलोक में ही वास करेगी। बोलो राधे राधे, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।